है कि बाबर आजम, मैं भी वही कहूंगा प्लेयर अच्छे हैं, मैंने कल रात को एक ट्वीट भी किया, गुड प्लेयर, नो डाउट, गुड प्लेयर, लेकिन जो जल्दबाजी पाकिस्तान से होनी शुरू हो गई ना, वो कुछ उनके साबिक खिलाड़ियों ने कह दिया जी बाबर आजम से विराट को सीखना चाहिए, अब ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना, जज्बाती जज्बाती, विराट कोहली को बाबर आजम से सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए विराट कोहली को? विराट कोहली जो रनों की भूख है, जो उनका आप टेस्ट मैचेस में, तो खैर आई थिंक स्टीव स्मिथ हैं जो मेरा मानना है कि विराट से आगे हैं, विलियमसन, जो रूट, ये भी विराट से पीछे होंगे। विराट का एक बुरा फेज आया राशिका, डेढ़ साल से उनके नहीं है 100, तब भी 70-71 100 उस बंदे के, ये डेढ़ साल में अगर 500 भी आगे होते तो डिबेट पता क्या होता इस वक्त कि 100-100 करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बंदा 100-100 के चक्कर में है और दूसरे को आप कह रहे हो कि यार मतलब ऑलरेडी बाबर आजम ना विराट कोहली से आगे चले, गलत है सर। नहीं लेकिन सर नहीं, इस तरह की जो बातें होती है उस पे तो बाबर आजम भी खुद फुल स्टॉप लगा चुके हैं कि नहीं जी मुझे आप इतना नहीं, मत चढ़ा, बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो अच्छे प्लेयर है, पाकिस्तान के सबसे अच्छे प्लेयर है, लेकिन एक प्लेयर का इम्तिहान कहां पर होता है? एक इम्तिहान होता है आपका कि आप रन कितने बनाते हैं, और रन बनाने के लिए गगन कोई छोटी टीम बड़ी टीम नहीं है, छोटी टीम क्यों छोड़नी भाई, अगर कंपैरेटिवली बांग्लादेश मिलता है, श्रीलंका मिलता है या कोई कमजोर टीम मिलती है, करो तो आपको घर में मिल रहा है, करो 100-100 है जी, चलिए उनका बैड पैच आ गया मान लिया, लेकिन गुड पैच वर्सेस गुड पैच भी अगर आप देखें कंपैरिजन ही नहीं है, नहीं मैं कह रहा हूँ वही विराट कोहली बाबर आजम का कंपैरिजन, वही हमने कहा कि अगर एक लाइन में कहें तो लेकिन हमें डाइसेक्ट कर रहे क्यों क्या कैसे, एग्जैक्टली विक्रांत सर, लेकिन मुझे याद है जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आए थे, आए थे 16 साल की उम्र में आए, 2-3 साल के सेंचुरी उनकी नहीं आई थी, वनडे में तो 94 में पहला 100 आया, लेकिन दो तीन साल के दरमियान ही इतना बड़ा नाम हो गया था सचिन तेंदुलकर, बिकॉज वो जल्दी उम्र में आए, बिकॉज उनमें स्टार दिखता था, तो हम भी हमारे मुल्क से भी बहुत सारे लोग थे जो तुलना करना शुरू कर दिए थे, सचिन ऐसे, सचिन वैसे, सचिन इनके बराबर, और सचिन इवेंचुअली जाके साबित किया कि उनकी तुलना अगर ब्रैडमैन से होती थी, उनकी तुलना अगर बड़े बड़े खिलाड़ियों से होती थी, तो ब्रायन लारा और सचिन साथ तो उनमें वो बात थी, और मुझे लगता है कि बाबर आजम भी जैसे जैसे वक्त आएगा अगर वो अपने वर्क एथिक्स को ढंग से कैरी कर पाए तो शायद वो उस दिशा में बढ़ेंगे, लेकिन उनको सफर बहुत तय करना है, जहां पे एक तरफ, एक तो बाबर आजम भी विराट कोहली के फैन है, विराट कोहली के फैन है, उन्होंने बहुत कुछ मैनरिज्म, ये आपको लगता है मैनरिज्म सीखा है सर उन्होंने, आपको कैसे पता, उन्होंने बताया था, कब बोला, बयान था उनका, वो तो कई खिलाड़ियों के बारे में, शुरू शुरू में जब आए थे उनका एक बयान था कि मैं विराट जैसा बनना चाहता हूँ, मैनरिज्म उनसे मैं सीखा है, व्हाटएवर, लेकिन जहां पे एक खिलाड़ी आज जिस मुकाम पे विराट कोहली खड़े हैं, जहां पे इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम समकालीन खिलाड़ियों के नाम के बीच बच नहीं होगा, एग्जैक्टली उनका नाम होगा ब्रैडमैन, टोटालिटी में जब पूरा इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास भाई 70-100 कहने की बात है ना, 70-100 से ज्यादा 100-200 ही है ना मेरे ख्याल, बस जी आई थिंक 70 नहीं, रिकी पॉन्टिंग के शायद, हाँ विराट के अभी कितने 70 है ना इनके, उनके शायद 71 है शायद, देखना पड़ेगा, तो पॉइंट है इसकी, देखो कंपैरिजन ना वैसे भी कैसे होता है, आप प्लेयर की पहचान कैसे होती है, मैं कहता हूं वनडे में अभी बाबर आजम का कंपैरिजन तो रोहित शर्मा से नहीं कर सकते आप, विराट कोहली तो दूर की बात, इनफैक्ट रोहित वर्सेस विराट डिबेट होता है, रोहित शर्मा से तो बड़ो बड़ो की नहीं हो सकती, वो 200-200 करके, मैं बताऊं गगन क्या है बाबर आजम की क्या है, मैं बताता हूं, देखिए पाकिस्तान के लिए बाबर आजम एक सॉलिड डिपेंडेबल यंग प्लेयर है, बिल्कुल हाँ, और इन्होंने ये दिखाया है कि मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, इनके पास गेम है, टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं, शॉट भी खेल लेते हैं, डिफेंस भी है, अब इतने भर से आप अच्छे प्लेयर तो बन जाते हैं, महान प्लेयर कैसे बनते हैं वहाँ बात आ जाती है, महान प्लेयर आप बनते हो जैसे गगन ने कहा कि आप छोटी टीम को तो छोड़ते नहीं हो लेकिन बड़ी टीम को भी लूटते हो आप, बिल्कुल, और जब फंस जाता है वहां जाके आप रन बनाते हो, जैसे आज डेढ़ साल में लोगों को बातें आ गई विराट के अगेंस्ट कि जी विराट के रन नहीं बन रहे, विराट का ये नहीं आया पैच, वो विराट बड़ा प्लेयर है जी, वो कभी भी निकल आएंगे उस पैच से, हो सकता है वो उस तरह से 100 ना बनाए जिस तरह से उन्होंने पहले बनाए थे, बट अभी क्या पता पीक आनी हो, विराट का आप कह नहीं सकते, जिस दिन उनका वक्त आ गया तो 300-400 इकट्ठे आने हैं, उन्होंने मैं देखा कल ना, क्योंकि मैं मैच देख रहा था पाकिस्तान का, तो डिबेट कहां से आया, पहले मैच में उनको महमूद ने
आउटस्विंग पे आउट किया, कल उनको बॉल अंदर आया, और उनके दो मैच में दो फेलियर्स हैं, किसी भी प्लेयर के हो जाते हैं, ठीक है। बट स्विंग और सीम, ये दुनिया का हर प्लेयर उसमें टेस्ट हो रहा है, विराट भी हो रहे हैं। विराट का एक बड़ा डिजास्टर्स दौरा रहा है इंग्लैंड का 2014 में, बट वो मैं देख रहा था पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जी फिर क्या हो गया विराट, और विराट 100 नहीं बना रहा, विराट रन तो बना रहा है। दूसरी बात, विराट का आप वनडे क्रिकेट उठाएंगे, उनकी जो चेजेस हैं, वाई इज ही कॉल्ड द चेज मास्टर। एग्जैक्टली, मैंने बाबर की बैटिंग बड़े ध्यान से देखी है। बाबर ऑस्ट्रेलिया गए थे जब आज से 2 साल पहले, उन्होंने 100 और 90 बनाया था, बहुत शानदार बैटिंग की थी, बहुत शानदार बैटिंग। मेरा ये मानना है, लेकिन आपका 100 वो होना चाहिए, मतलब हारने में 100-100 ही है, ड्रॉ में भी 100-100 है, लेकिन यार प्लेयर वो जो ना हारी हुई बाजी को जीत में, जो होबार्ट में विराट कोहली। एग्जैक्टली, आपको हारी हुई बाजी जीत में तब्दील करनी है, आपको रन नहीं बनाने हैं। मैं एक पैटर्न देख रहा हूं पाकिस्तान का, आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान क्रिकेट का इतना सुनहरा गोल्डन इतिहास रहा है। क्या ये पहले बैट्समैन आए हैं वहां से? जिस मुल्क ने इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, अब पीछे चले जाएं, पीछे तो उनके बहुत बड़े प्लेयर थे यार, सईद अनवर, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, मोहसिन खान, उससे माजिद खान, बहुत बड़े बड़े प्लेयर उन्होंने पैदा किए हैं। तो मैं नहीं मान सकता कि बाबर आजम इज द बेस्ट पाकिस्तान प्लेयर। बट सर, क्या अभी हाल फिलहाल इस पीरियड के दौरान बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर आए पाकिस्तान के लिए जिस पे मतलब बहुत ज्यादा वो डिपेंड करते हैं जो उनके रन ना, इसीलिए शायद वो राशिदा उनके रन, वो उनकी प्रॉब्लम ये हुई है उनकी बैटिंग गिर गई है, उनके वो बैटिंग बहुत कमजोर हो गए, जैसे केएल राहुल के रन है होते हैं तकरीबन ऐसे ही हो गए हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, देखिए मैच सेंस बहुत बड़ी बात है, मैंने उनके पीएसएल के भी मैचेस देखे हैं, उनके रन बनते हैं पर somehow टीम नहीं जीत पाती। आपके रन वो है राशिका, 35 रन पे टीम को जिता दो, बनस्पत आपका 100 रन, टीम को 100 भी बना दिया और टीम को आप लाइन भी क्रॉस नहीं कर पाए, वो रन ना आप ही के खाते में जा रहे हैं। महान प्लेयर वही है, महान जो कहते हैं गुड प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, लेजेंड, लेजेंड वो इंजमाम को कहेंगे, इंजमाम इज अ लेजेंड, यूनुस खान विल बी अ लेजेंड फॉर पाकिस्तान, मोहम्मद यूसुफ विल बी अ लेजेंड, और उनके पहले कितने लेजेंड्स आए हैं। बाबर आजम को अगर लेजेंड बनना होगा, अभी उनके 500 हैं टेस्ट मैचों में, वनडे में 1300 हैं, बट वो 13 का ब्रेकअप आपने दिया ही है ना, मेरे ख्याल ये श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और ये जिम्बाब्वे, हाँ, इनको मिला के ही 800-900 हैं। पर किसी प्लेयर का मैं मानता हूं कसूर नहीं होता भाई, हल्की टीम को रन बनाने हैं तो बनाने हैं, बिल्कुल, बट अब तीसरे वनडे मैच में 100 चाहिए, तीसरे वनडे मैच में वो टीम को जिताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं बट वो किसी स्टेज पे उनकी बैटिंग में वो इंटिमिडेशन नहीं होती, वो इतने थ्रेटनिंग नहीं दिखते कि मैच बदल देंगे, वो बैटिंग करते हैं अपनी। और एक और बात, आई थिंक ये बात मैंने 1.5 साल पहले बोली थी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे जाके भी, वहां पे प्रॉब्लम पता क्या है, वो बन गए कप्तान और उनकी टीम हार गई, पहला मैच वो हारे और अनफॉर्चुनेटली बाबर उसमें 0 पे आउट हो गए। अब 0 पे तो यार कोई भी आउट हो सकता है ना, विराट भी, स्टीव स्मिथ भी, रोहित शर्मा, कोई भी आउट हो सकता है। ओहो भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि वो लोग कह रहे हैं कि जी हटा दो बाबर आजम, तो निकम्मा प्लेयर है। तो बाबर के लिए, बाबर ने उस दिन जो बोल दी एक बात, उन्होंने कहा कि मैंने ड्रेसिंग रूम में बात की है प्लेयरों से, उनको समझाया, उनको कहा घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, जो उन्होंने बोला था वो ऐसे पेश किया गया वहां पे, ऐसा लगा जैसे इन्होंने कुछ जुर्म कर दिया है। अब वो हारेंगे ना, उनकी इतनी तंकीद होगी, इतनी उनका क्रिटिसिज्म होगा कि आप ये लोग कहना शुरू कर देंगे हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ, टीम को मोटिवेट करने के लिए और क्या कहेगा। मैं वही तो कह रहा हूं, है ना। तो सो अभी इम्तिहान सिर्फ बाबर आजम का ही नहीं है, पाकिस्तान के जो लोग आज चढ़ाते हैं कल गिराते हैं, ये गलत बात है, उनका भी है। सेकेंडली विक्रांत सर ने कहा कि आपने अभी तक जो अचीव किया उतने भर से आप गुड प्लेयर हो जाते हो लेकिन ग्रेट नहीं होते हो। महान कहलाने के लिए सिर्फ आपका गेम ही नहीं होता है राशिका जी, आपको चाहिए होगा ड्यूरेबिलिटी। सचिन तेंदुलकर का करियर अगर 10 साल में खत्म हो जाता तो वो क्या उनकी तुलना ब्रैडमैन से होती? मुझे नहीं लगता कि नहीं होती। हालांकि रिकॉर्ड्स बहुत सारे वर्ल्ड इतिहास में बहुत सारे बल्लेबाज ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत कम मैच खेले हैं, जिनका एवरेज बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उनकी लॉन्गेबिलिटी नहीं थी, वो बहुत लंबे समय तक नहीं। सेकेंडली कि आप क्या मैच विनर हो कि नहीं हो,
लेकिन वो क्या करें, मैं उनकी। तो दोस्तों ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं विक्रांत गुप्ता सर और इंडियन मीडिया का रिएक्शन ऑन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का जो थर्ड टेस्ट मैच चल रहा है गाइस लाहौर में, तो उसके बारे में ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूँ तीनों टेस्ट मैच आप रावलपिंडी रख लीजिए, आप कराची रख लीजिए, अब ये लाहौर, तीनों टेस्ट मैच जो है ड्रा होने के कगार पर थे और यही हुआ है। तो एडवांटेज जो था वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरीके से होम एडवांटेज था वो जो है बना नहीं पाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन उम्मीद ज़रूर यही है कि जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड टेस्ट मैच, आखिरी टेस्ट मैच जो चल रहा है लाहौर में, उसके बारे में आप ऑन स्क्रीन सुन सकते हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन, विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन। तो गाइस यही मैं उम्मीद करूंगा, यही अपडेट करूंगा कि उम्मीद करूंगा कि आप फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेंगे। तो फर्स्ट इनिंग्स में जिस तरीके से पाकिस्तान ने लास्ट के 6 विकेट जो है सिर्फ 20 रनों पर गवाया है, उसका खामियाजा जो है वो ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भुगतेगी। तो मैं कहूँगा भुगत रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है डोमिनेट परफॉर्मेंस में दिख रही है। 3 विकेट जो है वो जा चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, लेकिन अभी भी इस पर बाबर आजम मौजूद हैं। तो अगर बाबर आजम का बड़ा विकेट गिरता है गाइस, अगर बाबर आजम का ये बड़ा विकेट गिरता है तो मान के चलिए पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी। लेकिन बाबर आजम जो अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं, अभी भी 52 ओवर्स का गेम बाकी है गाइस, 52 ओवर्स का गेम तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं 52 ओवर्स, 2 सेशन का गेम जो है अभी भी बाकी है खेलना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर ये इस मैच को ड्रॉ करना है तो। अगर इस मैच को ड्रॉ कर देती है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीनों मैचेस जो है वो ड्रॉ हुए हैं। तो कैसे कभी ऐसा नहीं हुआ पहले, कई साल हो गए पता नहीं, बिल्कुल डेथ रबर की तरह पिचेस जो है वहाँ पर बनाए जा रहे हैं क्यूरेटर की तरफ से। तो पता नहीं पीसीबी क्या कर रही है इन पिचों को लेकर, लेकिन कॉम्पिटिशन जिस तरीके से इंडिया में खेला गया उसको भी कई डेमिट पॉइंट जो है वो मिले हैं, लेकिन 5 दिन के बाद भी जो है रिज़ल्ट जो है वो नहीं निकल पा रहा है। तो यही उम्मीद करते हैं कि फटाफट से पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया दोनों में से एक टीम जो है इस टेस्ट मैच को जीतेगी और सीरीज की जीतेगी। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, तो मुमकिन ज़रूर है अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है बाबर आजम खास करके धुआंधार अगर पारी खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थर्ड टेस्ट मैच में, तो उम्मीद कर सकते हैं थर्ड टेस्ट मैच और आखिरी डे आखिरी इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, तो अभी भी 250 चेंज रन जाएँ यानी 250 रन जो है अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बनाने होंगे अगर इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतना चाहती है तो। तो वंस अगेन आप सब लोगों को बता दूँ गाइस, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टेस्ट मैच चल रहा है लाहौर में, तो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन ऑन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच और विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन ऑन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच लाहौर टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस तो ऐसी तमाम वीडियोस और अपडेट हमारे इस चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ज़रूर ऑन कर लेंगे गाइस। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए गाइस, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंस अगेन लास्ट टाइम मैं कहूँगा गाइस, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड एंड आखिरी टेस्ट मैच लाहौर में चल रहा है वो टेस्ट मैच भी ड्रॉ होने के कगार पर है, उसके लिए इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखिए ऑन स्क्रीन, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड टेस्ट मैच पर और विक्रांत गुप्ता सर का भी रिएक्शन देख सकते हैं ऑन स्क्रीन ऑन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच गाइस। तो
ये भी टेस्ट मैच जो है ड्रा होने के कगार पर है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन